दोस्तों अगर आपने भी नया YouTube चैनल खोला है और YouTube पे आप आए हो अर्निंग के पर्पज से कि YouTube पे चैनल बनाएंगे, वीडियो डालेंगे और अर्निंग करेंगे, तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि जो कि YouTube का रूल है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर एक साल के अंदर कंप्लीट करना, जो कि स्टार्टिंग में सबके लिए होता है बहुत मुश्किल। और इसके लिए आप क्या करते हो, यूट्यूब पर ही सर्च करते हो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, हाउ टू गेट 4000 आर वॉच टाइम। उसमें बहुत सारी वीडियोज भी मिलती हैं जिसमें से कुछ रियल भी हैं जो कि काम भी करती हैं और आधी से ज़्यादा तो फर्जी हैं। और ख़ास करके कुछ छोटे छोटे यूट्यूबर्स जिनको हमें कहना नहीं चाहिए बट वो अपने फ़ायदे के लिए आपका टाइम बर्बाद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपके लिए बनाते हैं वीडियो के हाउ टू गेन, हाउ टू गेट सब्सक्राइबर, हाउ टू प्रमोट, ये सारी चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें कराते हैं लेकिन काम की चीज़ कोई नहीं बताता। कुछ हैं बड़े यूट्यूबर हैं जो कि वो बताते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि YouTube का एल्गोरिथम मैं बताता हूँ, YouTube का एल्गोरिथम समझ गया हूँ। भाई कितनों को तो एल्गोरिथम का मतलब नहीं पता होगा। एल्गोरिथम अगर वो समझ गए ना तो वो आपको वीडियो बना के ना बता रहे होते कि कैसे एल्गोरिथम काम करता है। वो करोड़ों में कमाते, बिलियंस में व्यू लाते अगर ऐसा रहता तो। तो दोस्तों यही सब चीज़ों को देखते हुए मैं लेके आ गया हूँ कुछ जेन्युइन तरीके जिनकी मदद से आप बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिन में भी ये चीज़ें कर सकते हो अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो। गारंटी नहीं लेता मैं कि 10 ही दिन लेगा, 15 दिन 20 दिन भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है क्योंकि कुछ कैटेगरी पर डिपेंड करता है, कुछ थोड़ा बहुत आपके लक पे भी डिपेंड करता है। बाकी अगर आप सब कुछ सही से करोगे तो 2-4-10 दिन आगे पीछे सही लेकिन आपका काम होगा। और आप अगर लंबे टाइम के लिए यूट्यूब पे रहने आए हो तभी ये वीडियो देखना। अगर आप चाहते हो कि 4 दिन के लिए आए और आओ और यूट्यूब चैनल बनाओ, अर्न करो और चले जाओ, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। वो लोग प्लीज़ यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले तो इस तरह की चीज़ों को सर्च करना बंद करना है कि हाउ टू ग्रो, हाउ टू गेट। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम बर्बाद करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, आपके काम की चीज़ बहुत कम मिलती है। कुछ लोग ऐप के बारे में बताते हैं, कुछ लोग वेबसाइट के बारे में बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं 100-150 रुपये दो इस वेबसाइट पे तो 10,000 व्यू मिलेगा, 1,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, या फिर कहीं होता है कि कुछ वीडियोस देख लो, कॉइन अर्न कर लो और उससे सब्सक्राइबर बढ़ा लो। तो ये सारी चीज़ें काम नहीं आती दोस्तों। अगर मान लो बाई चांस इनमें से कुछ काम भी आ रहा है थोड़ा बहुत, मैंने तो कुछ ऐप पे रिसर्च भी किया है बट कोई भी काम के लायक नहीं निकली, बट कुछ से अगर आपको थोड़े बहुत सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं तो वो सब्सक्राइबर क्या होते हैं? जैसे आप मजबूरी में देख के और अर्न करके कॉइन और किसी का लाइक कर रहे हो या सब्सक्राइब कर रहे हो, वैसे वो भी करते हैं, तो वो बाद में आपका वीडियो देखने वाला नहीं। तो ऐसे सब्सक्राइबर से आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ हालांकि अगर आपको 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए स्टार्टिंग में तो ऐसे में ये चीज़ करना पड़ता है। तो ऐसे में आप सब फॉर सब भी कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हो तो कोई गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ अगर आपको ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं वॉच टाइम की। वॉच टाइम के लिए बहुत शानदार ट्रिक है अपने पास। तो वॉच टाइम के लिए हम करेंगे क्या, वॉच टाइम के लिए आपके पास पहली चीज़ तो लंबे वीडियो बनाओ थोड़े से भाई, 7-8 मिनट 10 मिनट के। 1-2 मिनट की वीडियो बनाओगे तो वॉच टाइम कंप्लीट करने में मुश्किल होगी। बड़े वीडियो में क्यों कह रहा हूँ, बड़े वीडियो में ये फ़ायदा है कि आप शेयर करोगे तो 10 मिनट की वीडियो है तो नहीं तो 2-3 मिनट लोग एवरेज देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप न्यू यूट्यूबर अपनी वीडियो को बार बार चलाते हो तो यूट्यूब भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो ऐसे में आप कैसे बढ़ाओगे अपना वॉच टाइम? तो उसका तरीका सिंपल है, अपनी वीडियो को अलग अलग फ़ोन में अलग अलग डिवाइसेज में एक बार प्ले करो एक दिन में और उनको रख लो 0.25x पे। जी हाँ दोस्तों 0.25x पे रखने का फ़ायदा क्या होगा, 2-3 चीज़ें होंगी। आपका व्यूज 1 काउंट होगा लेकिन वॉच टाइम 4 गुना काउंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनट का वीडियो है तो वो 40 मिनट काउंट होगा और व्यूज एक ही काउंट होगा। उस तो नॉर्मली आपको 40 मिनट का वॉच टाइम लेने के लिए उस वीडियो को 4 बार चलाना पड़ेगा। तो ऐसे में यूट्यूब को पता चल जाएगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हो अपने ही चैनल पे अपनी वीडियो को बार बार प्ले करके, तो शायद मे बी वो कॉपीराइट तो नहीं लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के थ्रू आपको स्ट्राइक दे सकता है क्योंकि उनकी रूल रेगुलेशन थोड़े से हैं ऐसे कि मे बी आ सकता है। ये जल्दी आता नहीं है किसी को बट फिर भी सेफर साइड आप 4 गुना वॉच टाइम लो एक व्यूज से। तो ऐसे करके आप खुद से बढ़ा सकते हो, मल्टीपल टैब में अपने लैपटॉप कंप्यूटर में चला के इनकाउंटो में बढ़ा सकते हो। तो इससे दोस्तों थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, पूरा इससे नहीं बढ़ेगा। बाकी आपको करना क्या है, आपका अगर कंटेंट में दम है जो कि रखना पड़ेगा, अगर चैनल चलाना है तो कंटेंट में दम तो चाहिए, कंटेंट में दम चाहिए। चैनल जन्म के लिए आपको सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास एक नॉर्मल सा माइक ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम नॉइज इधर उधर की ना आती हो, सिर्फ आपकी बात आपकी आवाज़ आती हो। या फिर आप चाहो तो रात में वीडियो बना लो अगर आप कहीं ऐसे जगह रहते हो जहाँ शोर शराबा है। तो जब वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी बन जाए तो जो भी आप टाइटल देने जा रहे हो उस टाइटल को यूट्यूब पर सर्च करोगे। अब यूट्यूब पे सर्च करोगे उससे क्या होगा, जो टॉप के 3 वीडियो आएंगे, 3 या 4 ले लो जो भी टॉप के आते हैं,
जो टाइटल आपको रखना है वही टाइटल आपको सर्च करना है रखने से पहले। उन चारों को कॉपी कर लो नोट पैड में जी दोस्तों, या फिर अपने फ़ोन से कर रहे हो तो नोट्स में कॉपी करो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने पर हाइपर लिंक जाता है। अब हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक होता ये है कि हम तो करते हैं नाम कॉपी, लेकिन उस नाम से जुड़ा जो लिंक होता है बैकएंड में वो भी साथ में चला आता है, तो यूट्यूब को ये पता चल जाता है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ये कहीं कहीं आपके चैनल को दिक्कत दे सकता है ग्रो करने में, हालांकि इससे कोई स्ट्राइक नहीं आती है। तो बेटर ये होगा कि आप सिंपली नोटपैड पेस्ट कर लो। नोटपैड पेस्ट करने से क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट आता है, जो हाइपरलिंक होता है वो हट जाता है, फिर वहां से कॉपी करके वापस से आप अपने चैनल पे जा सकते हो। तो जो वो तीन या चार टाइटल आपने कॉपी किए हैं अपने टॉपिक के सर्च टर्म में, जो टॉप के वीडियो आए हैं उनको आप रख लो, उनका यूज करो अपने डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप एक लिखो कि वी कवर्ड, कि आप क्या क्या कवर कर रहे हो इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन जो भी देते हो उसी बीच में कहीं, और उसमें वो चारों पॉइंट वाइज लिख दो 1 2 3 4। उससे होगा क्या, जब भी उनकी वीडियो सर्च होगी तो उनकी वीडियो के सर्च के रिजल्ट में आपकी वीडियो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या करोगे, दूसरा करोगे आपकी थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वीडियो लाख गुना बढ़िया है, थंबनेल सही नहीं है ना, तो आपकी वीडियो पे व्यूज वॉच टाइम कुछ भी नहीं आने वाला। वॉच टाइम तो तब आएगा ना जब लोग क्लिक करेंगे। तो आप एक बार जाके YT स्टूडियो में देखो कि इंप्रेशन थोड़ा बहुत अगर आ रहा है आपके चैनल पे, थोड़ा बहुत भी 1 2 4 10 भी इंप्रेशन अगर YouTube भेज रहा है, तो तुरंत उस चैनल पे उस वीडियो पे आप थंबनेल थोड़ा चेंज करो, और टाइटल में हल्का सा चेंज रखो, लास्ट में कुछ भी चेंज करके हटा के स्पेस बैक स्पेस कुछ भी करके थोड़ा चेंज करके उसको दोबारा से अनलिस्ट करके पब्लिश कर दो। दूसरा तरीका ये हो गया। तो यहाँ से होगा कि आपकी वीडियो जो पुरानी होगी वो आ जाएगी रनिंग में, और जो नई होगी उसके लिए तो भाई थंबनेल, भाई मैं कहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब की वीडियो बनाने में 3 घंटे टाइम देते हो तो 1 घंटे टाइम आप थंबनेल पे भी दो। और थंबनेल आप ऐसा नहीं कि आप सीधे डाउनलोड किया यूट्यूब से और या फिर गूगल से और सीधे उठा लगा दिया। दोस्तों थंबनेल का क्या सीन है, थंबनेल जब तक बढ़िया नहीं होगा तब तक इंप्रेशन और CTR क्लिक थ्रू रेट जो बढ़ता है, आपके स्क्रॉल करने जो वीडियो आती हैं उसमें आपकी वीडियो देख के कितने लोग स्किप कर जाते हैं, कितने लोग क्लिक करते हैं, वो डिपेंड करता है CTR और इंप्रेशन वही बताता है। तो अगर इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कि यूट्यूब कोशिश कर रहा है बट आपके थंबनेल में दम नहीं है और नहीं हो पा रही चीज़। ये दो चीज़ कर लोगे तो आपकी वो वीडियो का बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वो वीडियो ग्रो कर जाए। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं जो ऑप्शनल हैं जो आप कर सकते हो। बाई चांस ये सारी चीज़ अगर आप कर रहे हो उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, आपको सिंपली YT स्टूडियो ऐप पे जाना है, ऑडियंस पे जाना है और देखना है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है और किस टाइम पे पसंद है। तो अगर आप कर सको तो वीडियो अपलोड करके शेड्यूल लगा दो जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके होते हैं एक्टिव उस टाइम, क्योंकि वो उसमें दिखाता है कुछ इस तरह से। इसको देख के आप समझ सकते हो कि जितना डार्क लाइन उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर एक्टिव, तो कुछ ऐसे टाइम पे ही अपना शेड्यूल कर दो, तो उससे उम्मीद है कि आपके व्यूज़ और ज़्यादा तुरंत बढ़ेंगे। अगर तुरंत में व्यूज़ बढ़ते हैं तो यूट्यूब भी उस वीडियो को प्रमोट करता है। तो ये तो सारी चीज़ हो गई। अब कहोगे आप किस भाई ये तो हो गया, लेकिन लोग कहते हैं टैग भी लगाओ, टैग अच्छा रहेगा तब व्यूज़ आएंगे। चलो भाई टैग की भी बात कर लेते हैं, टैग कहाँ से लाओगे आप? आपके पास टैग के लिए दो तरीके हैं। आप अपनी कैटेगरी चैनल पे जाओ और उनका टैग उठाओ। उनका टैग कैसे उठाओगे? उनका टैग उठाने के लिए आपको चाहिए एक ऐप, ट्यूबबडी ऐप। ट्यूबबडी का एक्सटेंशन जब आप अपने लैपटॉप में रखोगे तब उनके चैनल पे क्या टैग्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से टैग्स हैं, वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, बिना इसके नहीं दिखेगा। तो अगर ये आप करना चाहो तो ये कर लो, अदरवाइज गूगल पे जाना और सर्च करना कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर सर्च करोगे, पहली जो लिंक आएगी गूगल एड्स की आएगी, उस पर आप क्लिक करोगे और उसमें आके आपको सिंपली सर्च करना होगा अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टर्म। जैसे कि अगर आपका व्लॉगिंग है तो आप सर्च कर दो व्लॉगिंग या माई फर्स्ट व्लॉग या ऐसा कुछ भी सर्च कर दोगे, उसके बाद वो आपको ढेर सारे रिजल्ट नीचे दिखाएगा, उनको कॉपी कर लेना वन बाय वन, क्योंकि इकट्ठा कॉपी करोगे तो वो एक ही लाइन में पेस्ट हो जाता है टैग बॉक्स में। तो एक एक करके कॉपी करके आप वहाँ पेस्ट कर दोगे तो यहाँ से आपको टैग्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, और साथ में बगल में देख भी पाओगे कि कौन से टैग पे कितनी ट्रैफिक है और कितना कंपटीशन है। जिसमें ट्रैफिक अच्छी हो और कंपटीशन कम हो उन टैग्स को उठाना ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो ये सारे वो जेन्युइन तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, और मैंने भी जेन्युइन तरीके से ही ग्रो किया था जिसकी वजह से मेरा मोनेटाइजेशन आसानी से इनेबल हो गया था। अगर इसके बाद भी कोई समस्या रह जाती है आपके चैनल में, या कोई समस्या या कोई सुझाव, या आपके दिमाग में कोई और टॉपिक बचता है कि ये कैसे करें, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, क्योंकि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो टिक्स एंड ट्रिक्स मैं रेगुलर चैनल पर लाता हूँ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉच, बाय बाय, मीटिंग नेक्स्ट वीडियो।